Hello aspirants, welcome to IAS Mentorship. I welcome you all to the chapter number 2 of Geography class 9th. I hope you all are excited and ready to learn about the new chapter. And we are in class 9th. हमने class 6 कर लिया, class 7th कर लिया, class 8th कर लिया और class 9th का chapter 1 कर लिया. Now it's time to go forward with the chapter number 2. That talks about physical features of India. अब मैंने आपको already बताया है कि physical features क्या होते हैं. पिछले classes में we have already discussed. Physical features are those features जो India के landforms के बारे में discuss करते हैं. कि what is the type of landforms in that particular area. Whether it is your like mountain, whether it is like plateau, what it is. ठीक है? तो ये आपके लैंडफॉर्म होते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में. पिछले क्लासेस में हमने थोड़ा मोड़ा जानने की कोशिश की थी, बट ये वाला जो चैप्टर रहेगा इसमें डिटेल्ड आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा. तो चलिए इसी बात पे जानते हैं व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स. सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि फिजिकल फीचर्स फॉर्म कैसे होते हैं. ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिए. हमारे अर्थ, हमारे जो लैंड है उसके नीचे बहुत सारे प्लेट्स हैं. प्लेट्स मतलब लैंड प्लेट्स हैं. ठीक है, तो इस प्लेट्स को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. यू नो ना, लिथोस्फीयर इज दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड इज देयर. तो ये जो है, बस लैंड की बात नहीं होती, ओशनिक प्लेट भी होते हैं. लैंड प्लेट भी होते हैं, ओशनिक प्लेट भी होते हैं, एंड दे बोथ आर पार्ट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट. क्लियर? तो ये जो प्लेट्स के बारे में बताते हैं वो किस थ्योरी के अंदर बताते हैं? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी गाइस, तो आप ध्यान में रखिए. क्लियर? एंड नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस प्लेट टेक्टोनिक्स. इसमें क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड इंटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. जो अर्थ है हमारा, उसके ऊपर की जो परत है लैंड वाली, वो 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट्स में बटी हुई है. उसी को हम बोल रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. 7 मेजर एंड सम माइनर, नॉट 7. ओके, माय बैड. 7 मतलब बड़े बड़े प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स हैं, मेजर लैंड हैं, मेजर ओशनिक प्लेट्स हैं, और कुछ छोटे छोटे प्लेट्स हैं. अब क्या हो रहा है अंदर. अब क्या होता है, जैसे इफ यू हैव एक्सपीरियंस, जब आप पानी को बॉईल करते हो तो पानी जो है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर घूमते रहते हैं. राइट, मूवमेंट होता रहता है. क्यों? बिकॉज नीचे से हीट मिल रही है. अब मैंने आपको ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन अर्थ देयर इज कोर विच इज एक्सट्रीमली हॉट. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर की जो चीजें हैं वो दैट आर मूविंग, सच एज योर प्लेट इज मूविंग. ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स बिल्ड अप स्ट्रेस देन within the plates and also the continental rocks above which it results in the folding, faulting and volcanic activity. अब क्या हो रहा है, देखो नीचे से कोर से बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो ऊपर के जितने भी आपके सामान है वो मूव करेंगे, तो जो प्लेट है वो मूव कर रहे हैं. फाइन, द प्लेट्स आर मूविंग. अब प्लेट्स को तो ये नहीं पता कि भाई मेरे को इस प्लेट की तरफ नहीं जाना है वरना टकरा जाऊँगा. दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर डूइंग वट एवर द फ्लो इज being created. तो अब क्या होता है, ये देखो आप, ये लिथोस्फीयर है. ठीक है, ये आपका हॉटस्पॉट है. देखिए अंदर से हॉट आ रहा है. अब ये जो मूवमेंट है ना गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. नाउ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. अब देखो, अब क्या होगा, या तो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेगी. केसेस, वी आर प्रिडिक्टिंग द केसेस. ठीक है, एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेगी. दूसरे सिनेरियो में व्हाट कैन हैपन, प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करने लगेगी. दिस कैन बी द सेकेंड सिचुएशन. एंड इन द थर्ड सिचुएशन वन प्लेट कैन बाईपास द अदर प्लेट. मतलब ऐसे ऐसे मूव करेंगे सब, है ना, मतलब डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो यही 3 मेन अजम्पशंस या यही 3 मेन मूवमेंट हमने क्लासीफाई कर लिया है अंडर विच थ्योरी गाइस, टेक्टोनिक थ्योरी. अब इसी, व्हेन द प्लेट्स आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज.
When the plates are moving apart from each other, they are divergent boundaries. And when the plate is moving in this direction, they are nothing but transform boundaries. When some plates come towards each other, form convergent boundary. It may lead to either collide, obviously. अब जो दो इधर आ रहे हैं तो वो collide होंगे. Collide होने से क्या होगा? टूटेंगे, break होंगे, faulting होगी और folding होगी. कैसे फॉल्टिंग हो? फॉल्टिंग तो मतलब क्रैकिंग, ऑब्वियसली क्रैक विल बी डेवलप्ड. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कैन हैपन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन दीज प्लेट विल पुश, तो ये क्या होगा? ये एक ऐसा एक बल्ज जैसा क्रिएट होगा, है ना, बल्ज जैसा क्रिएट होता जाएगा जैसे जैसे पुश करते जाएंगे. तो ये क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दिस विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स. ऐसे ही माउंटेन्स बने व्हेन टू प्लेट्स आर कमिंग टुगेदर एंड पुशिंग. What will happen after a point? This portion will get bulged out. So that is only leading to the formation of mountains. Divergent boundaries, what will happen? Divergent, this boundary is also known as destructive boundary. Remember, why? Because it is obviously destructing. Now see the second scenario. In this, what is happening? The plates are diverging. When the plates are diverging, gap increase ho raha hai inke beech mein. अब इनके बीच में अगर गैप इंक्रीज हो रहा है, एक मिनट, तो नीचे का जो हॉट मोल्टेन मैग्मा है वो बाहर आएगा. हॉट मोल्टेन मैग्मा विल कम आउट बिकॉज इट हैज गॉट ए स्पेस टू कम आउट. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन? वोल्केनिक इरप्शंस विल हैपन. तो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट माउंटेन्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में आपके वोल्केनोस फॉर्म होते हैं. एंड देन दिस वोल्केनो विल गेट काम डाउन, एक लैंड क्रिएट हो जाएगा, राइट? व्हेन द रिमेन्स ऑफ वोल्केनो विल बिकम काम डाउन. जब ये जो वोल्केनो जब अपने नॉर्मल तरीके में या जब वो काम हो जाएगा तो एक उसका जो रेसिड्यू है वो बच के एक लैंड फॉर्म बन जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू लैंड. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. Transform boundary, nothing much happened. Ha, one more important thing I missed out. In convergent boundaries, earthquake also happened. भाई कोई चीज टकरा रही है तभी ना tremble हो रहा है, तभी ना अर्थ का जो body है वो shake हो रहा है. तो convergent में तो shake होगा ही, divergent में shake नहीं हो रहा है, अलग हो रहे हैं, तो कब volcano हो रहा है. Transform में guys nothing much happened. ये बस slide pass कर देते हैं plate. अगर ज़्यादा मात्रा में टकरा गए, अगर ज्यादा इंटेंसिटी में टकरा गए तो अर्थक्वेक होता है. क्लियर? सो दिस इज द थिंग. आई होप यू अंडरस्टूड. फाइन. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स अलोंग विद द प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियन ऑफ इयर्स. अब यही प्लेट्स के मूवमेंट पे ही हमारा कॉन्टिनेंट का साइज भी डिपेंड कर रहा है, कितना बड़ा कॉन्टिनेंट होगा ऑब्वियसली. और यही आज के कॉन्टिनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड फॉर द फीचर्स, लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ द इंडिया. कन्वर्जेंट बाउंड्री गाइस, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, आवर हिमालयस. व्हेन द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, तो यहाँ पे ओल्ड माउंटेन्स बन गए. वही वो और कुछ नहीं बल्कि ये हिमालयन माउंटेन्स हैं. द ओल्डेस्ट लैंडमार्क पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला पार्ट इंडिया का ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पे प्लेन्स होते हैं, पेनिनसुला. तो ये वाला जो पोर्शन है पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है. अब गोंडवाना लैंड क्या था भाई? पहले ना एक थ्योरी थी, ठीक है. उस थ्योरी में बोला गया था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे. द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द कॉन्टिनेंट इज नॉट सेपरेटेड, ठीक है. पहले वो अलग अलग नहीं थे, पहले वो एक ही बिग लैंड मास थे. देयर वाज अ बिग लैंड मास, ओके. अब क्या होता था, इस बिग लैंड मास को नाम दिया गया पैंजिया. इस बिग लैंड को क्या नाम दिया गया? पैंजिया. बट नाउ उसके अलावा ये जो आपका ओशन का नाम दिया गया था, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ओशन? पैंथलासा ओशन. This is a concept, ठीक है, given by a theory. So try to understand that there was a big landmass, all the continents there sticked towards each other, and इसी को Pangaea बोला गया था, and the ocean part was known as Panthalassa. Now what happens? Pangaea got divided into two parts. Pangaea
पैंजिया जो लैंड मास था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ पोर्शन को बोला गया लॉरेशिया, ठीक है, और साउथ पोर्शन को बोला गया गोंडवाना, और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा इंडिया, और वही बोल रहा है इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। नाउ आई होप यू आर ऑल गेटिंग माय पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट है गाइस। अब आप ये मत बोलना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो आपके ज्योग्राफर्स थे दे हैव गिवन ए कॉन्सेप्ट। अब आप जब धीरे धीरे और डिटेल्स में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या था कि वाई ज्योग्राफर्स ने ऐसा बोला। तो पहला तो मैं बता दूं कि ज्योग्राफर ने इसलिए बोला था, पहला रीज़न कि सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना उनका आप शेप देखो वो इजीली एक दूसरे से फिट हो जा रहे हैं। सही बात है, देखो नॉर्थ अमेरिका है वो यूरेशिया से फिट हो गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कैसा होता है थोड़ा सा ऐसा होता है ऐसा, और वहीं पे अफ्रीका कैसा होता है ऐसा होता है। तो देखोगे तो ये जो है ये पूरे फिट, ऐसा लगता है पजल है ये, है ना। सो दैट इज व्हाई दिस ज्योग्राफर हैज गिवन दिस थ्योरी। तो आई होप यू गॉट इट। पैंजिया पैंथलासा, पैंजिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू, लॉरेशिया गोंडवाना, एंड इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। चलिए अब हिमालयस का फॉर्मेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीसेस बाय कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट मतलब कि नीचे के जो हीट है, जो हॉट मॉल्टन मैग्मा जो अंदर है वो मूव करा रही है चीजों को, तो उससे कन्वेक्शनल करंट फॉर्म हो रहे हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ विच रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विच इज मच लार्जर। हाँ अब देखो क्या हो रहा है। अब मान लो ये मेरा यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, अब ये मेरा इंडियन प्लेट है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन इंडियन प्लेट है। अब क्या हो रहा है, ये इधर इधर जाता जा रहा है, अब इधर इधर जाता जा रहा है। अब किसी वजह से क्या होता है, अब ये जो है यहाँ पे आके टकरा जाता है, हमारा जो इंडियन प्लेट है वो यहाँ आके टकरा जाता है। तो क्या हो रहा है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट हो रही है गाइस, है ना, इन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडियन का प्लेट और यूरेशियन का प्लेट में कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट हो रही है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से यहाँ पे बल्ज उठने लगा, यहाँ पे बल्ज उठने लगा, तो यही है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। आज भी यू मस्ट हैव बीन लर्निंग दैट द हाइट ऑफ हिमालयस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये जो इंडियन की प्लेट है वो ऑस्ट्रेलियन में घुसते चले जा रही है, तो जितना ज्यादा घुसेगी उतना ज्यादा हाइट इंक्रीज होगी, राइट, है ना। तो यही बात हो रही है, पहले आपका हिमालयन का साइज कुछ अभी अलग था, अभी 8848 हो गया है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंटरी रॉक्स विच वेयर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज द तेथिस सी वेयर फोल्डेड विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन सिस्टम। ये तेथिस सी एक सी है, यहाँ पे देखो ये सी है। क्या बोल रहा है, जब इंडिया ने यहाँ पे निकल के जब यूरेशिया में जाने की कोशिश किया तो तेथिस सी के ऊपर से गई, तो ये वाली सी को पूरा सबमर्ज कर दिया इंडियन प्लेट ने। अर्लियर देयर वॉज अ सी नोन एज तेथिस बट बिकॉज ऑफ दिस प्लेट मूवमेंट इट गॉट सबमर्ज्ड, मतलब वो लैंड के नीचे आ गई, तो अब वो पता नहीं चलता कहाँ है वो। चलिए तो अब ये हिमालयन का फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नॉर्थ प्लेन कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, नॉर्थ प्लेन यूपी बिहार एंड योर मिडिल मध्य प्रदेश एंड एटसेट्रा रीजन प्लेन एरिया वेयर एग्रीकल्चर इज सुपर डुपर, ठीक है। नाउ द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस फ्रॉम द तेथिस सी and the settling of northern flank of the peninsular plateau created a large basin. मैंने बताया ऐसा हो गया, ऊपर आपका हिमालयन माउंटेन्स आ गए। In due time, gradually basin got filled with deposits of sediments by rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south, which created a flat land. ठीक है, अब यहाँ से rivers आने लगी, क्योंकि उन rivers flow कैसे करेंगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तभी तो उनकी स्पीड रहेगी, तो माउंटेन्स की वजह से रिवर ऐसे आने लगे, है ना, माउंटेन से नीचे, और यहाँ पे वो अपने डिपॉजिट्स को छोड़ने लगे। तो जब डिपॉजिट्स को छोड़ने लगे तो एक प्लेन और बहुत ही बढ़िया एरिया एलुवियल डिपॉजिट्स बन गया। एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब जो रिवर अपने सेडिमेंट्स लेके आती है, तो इसी को बोला गया है नदन प्लेन। इस एरिया को बोला गया है गाइस नदन प्लेन। पेनिनसुलर प्लेटू आर मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, ठीक है, मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स हैं एज इट इज वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। देखो पेड़ जितना पुराना होता है उतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके जड़ें एकदम नीचे तक जा चुकी होती हैं,
So similarly, the land mass which has formed so much years back, obviously it will be more suitable land, है ना, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. द हिमालयन एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स, अभी अभी हुए हैं, है ना, अभी अभी हुए हैं. हिमालयाज और नदर्न प्लेन्स, द हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन एज इट इज वेरी यूजफुल टोपोग्राफी. क्या बोल रहा है भाई, माउंटेन है तो ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा, दैट इज ओनली द थिंग. एंड हिमालयाज आर द यंग फुल माउंटेन्स. रिमेंबर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है दैट इज हैविंग मोर स्टेबल, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका. नदर्न प्लेन्स आपका बस ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है. तो हिमालयन माउंटेन्स आर अनस्टेबल बिकॉज दे आर माउंटेन्स, ऑब्वियसली लैंडस्लाइड्स में हैपन, अर्थक्वेक से पूरी लैंड गिर सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज द थिंग. क्लियर. नाउ कमिंग बैक टू आवर IAS मेंटरशिप प्रोग्राम, काइंडली पॉज एंड वॉच ऑल वॉट एवर वी आर प्रोवाइडिंग यू, द बेस्ट स्ट्रैटेजी, द कम्प्लीट मटेरियल्स, टॉपर सेशन, करेंट अफेयर्स, मेन्स आंसर राइटिंग, एस ए फाउंडेशन, पी वाई क्यू कवरेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉम्प्रीहेंसिव रिविजन थ्रू टेस्ट. सबसे अच्छी बात ये है मेंटरशिप प्रोग्राम की, दैट आवर मेंटर रियासत अली सर विल बी विथ यू ऑल द टाइम वेन एवर यू नीड हिम. एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु नीड मेंटरशिप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन, उनके लिए IAS मेंटरशिप का फाउंडेशन प्रोग्राम है. सो काइंडली गो थ्रू इट एंड एनरोल इट. रियासत अली सर हैज गाइडेड मेनी स्टूडेंट्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन. यू कैन सी हियर द पिक्चर. एंड दिस वॉज आवर 15th June बैच, बट जुलाई में भी बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू नो द इन्फॉर्मेशन ऑन द रीसेंट बैच, काइंडली गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड देन यू कैन रिजॉल्व योर क्वेरी एंड गेट एनरोल्ड इन इट. फाइन. नाउ लेट अस मूव टू द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, मेजर बड़े बड़े, ठीक है. अब मेजर लिखा गया है मतलब हम जितने भी बड़े बड़े जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इन इंडिया. Starting with the Himalayan mountains, I have already told you they are formed by the convergent boundaries between Indo-Australian plate and Eurasian plate. It is geologically young, अभी young है, अभी अभी बने हैं, as compared to other landmasses. Structurally folded mountains, fold हुए हैं, I have already told you folding has happened, which run along the northern borders of India. ये आपका Himalayan mountains है guys, northern borders में run करता है. Range from the west to east, covering a distance of about 2,400 kilometer, represents the loftiest peak in the world. ये वाला जो आपका है ये बोला जा रहा है, ठीक है. अराउंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2,400 किलोमीटर कवर कर रहा है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. विथ 400 किलोमीटर कश्मीर में, देखो आप कश्मीर में देखोगे बहुत चौड़ी है, इतना मोटा है. अब धीरे धीरे देखोगे तो ये पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है, ठीक है. तो ये 400 किलोमीटर यहाँ पे विड्थ है इसकी, और यहाँ पे जस्ट 150, मतलब ये वाला जो लेंथ विड्थ है ये जस्ट 150 है. हाइट वेरिएशन इज ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. हाइट वेरिएशन मतलब कुछ हिमालयन माउंटेन बहुत ज्यादा बड़े, कुछ बहुत छोटे हैं, ये हाइट वेरिएशन हुआ. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्वल लेंथ के दिखेंगे, उतना ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा. द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन, लॉन्गिट्यूड में अगर, चलो मैं आपको यहाँ पे ले लेती हूँ, ये आपके हिमालयन है, ठीक है, ये आपके हिमालयन है, ओके. अब लॉन्गिट्यूडनल डिविजन में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है. द ग्रेटर और इनर हिमालय, शिवाल हिमाचल एंड योर शिवालय. यहाँ पे देखिए, ये आपका जो ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, उसके नीचे आपके आएंगे लेसर हिमालयाज एंड देन कम्स योर शिवालय. ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री भी बोला जाता है, लेसर हिमालय उसके नीचे हिमाचल और उसके जस्ट नीचे शिवालय. तो सबसे टॉप पे हिमाद्री, हिमाचल एंड देन शिवालय, ओके. अब हिमाद्री के बारे में बात करते हैं. इट इज द नदर मोस्ट रेंज एंड द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ द लॉस्टियस्ट पीक. इतना उसका हाइट है जो यहाँ पे है, जो आपके हिमालय हिमाद्री, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि सबसे टॉप पे है, उसका जो हाइट है वो 6,000 मीटर, अराउंड 6 किलोमीटर. इट कंटेन्स ऑल द फेमस पीक, जितने भी पीक आप सुनोगे सब यहीं पे आप देखोगे. द फोल्स आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब सिमेट्री नहीं है इसमें, एसिमेट्रिकल है. एंड द बेसिक पार्ट ऑफ दिस हिमालय इज इट इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट.
यहाँ के जो रॉक्स हैं वो किससे बने हैं? ग्रेनाइट। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड, पेरेनियल मतलब हमेशा, ऑल द टाइम स्नो से घिरे हुए रहते हैं, एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर डिसेंडिंग। क्लियर, वेरी इजी पॉइंट। ऑब्वियसली वी नो हाइट बड़ी है तो ऑब्वियसली स्नो से घिरे तो रहेंगे ही। ठीक है, चलिए अब उसके नीचे आ जाते हैं, हिमाचल के बारे में बात करते हैं। इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्रीज फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। ठीक है, इट इज मेनली कंपोज ऑफ हाई कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। ओके, इट इज हैविंग ऑल्टर्ड रॉक्स। हाइट देखिए, उसका 6000 था, इसका इसके बीच में है। लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस आर पीर पांजल रेंज एंड धौलाधर रेंज एंड महाभारत रेंज। ये रेंज है। Now I have already told you the difference between mountain and range in the previous classes, that mountain is just an individual mountain, but ranges are series of mountains. So Pir Panjal range, Dholadhar range and Mahabharat range कहाँ पे lie करते हैं भाई? हिमाचल में। ठीक है, famous valley कश्मीर, कुल्लू वैली, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हिल स्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। नेक्स्ट उसके नीचे है आपके शिवालिक। इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। वेथ इनकी बहुत ही उतनी कम है, ज्यादा नहीं है, हाइट इनकी इतनी है। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपके 6000 पे आपके हिमाद्री हैं। कमिंग टू देन कितना है हिमाचल का, देखिए 375, मतलब आप मैक्सिमम मान के चलो, मैक्सिमम इज योर 4500 एंड दिस हियर इज योर, आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसके में ग्रेनाइट था, इसके में कंप्रेस्ड रॉक्स, इनके में कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, अनकंसोलिडेटेड मतलब बिखरे हुए, विच हैव बीन ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। अब यहाँ पे शिवालिक में रिवर्स आके गिरेंगी, मतलब यहाँ से ऊपर गिर के यहाँ पे फ्लो फ्लो होंगी, है ना, हिमालयाज ऊपर वाले हिमाद्री से निकल के। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइन बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज डूम्स। क्या बोला जा रहा है, ये मेरे ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, देन कम्स माई लेसर हिमालयाज एंड देन कम्स माई शिवालिक। अब इसके बीच से जगह निकलती है, पासिस निकलते हैं, इसी पास को बिटवीन द लेसर एंड द शिवालिक को क्या बोला गया है, डूम्स। जैसे देहरादून, ओके देहरादून, अब नाम आपको समझ में आया कि डूम क्या है। ओके, दीज आर द वैलीज, देहरादून, कोटली दून, पतली दून आर द वेल नोन दून। अब हिमालय का डिवीजन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम द रीजन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अभी हमने क्या किया, ऐसे ऐसे वाला किया, अब हम ऐसे ऐसे वाला डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसे ऐसे में सबसे पहले कौन थे, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, सब ऐसे ऐसे में देखते हैं। इधर से आते हैं आपके पंजाब हिमालयाज, and these part of Himalayas are lying between Indus River and Satluj River. See, all the things are factual. इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, ठीक है ना? From the west to east respectively, regionally known as Kashmir and Himachal Himalayas, ठीक है? Then comes your Kumaung Himalayas. ये Satluj और Kali River के बीच में आती है। देखो, Indus और Satluj के बीच में क्या आ रहा है आपका? Punjab Himalayas. Satluj और काली, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपका? कुमाऊं हिमालयस। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में क्या आ रहा है आपका? नेपाल हिमालयस। और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में आपके आ रहे हैं आसाम। तो आप इसको याद कर लोगे तो ये आपका पूरे पॉइंट आपके याद हो जाएंगे। इंडस, सतलज, काली, तीस्ता एंड दिबांग, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड आसाम, दिस इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, ईस्टर्न हिल्स को भी पूर्वांचल बोला गया है। क्या है, दीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया के माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। इट इज मार्क्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया आफ्टर द दिहांग गॉर्ज। ये क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर हिमालय साउथ में जा रहे हैं और स्लाइटली यहाँ पे बेंड कर रहे हैं, ये बेंड हो रहे हैं, देखो बेंड हो रहे हैं ये, इसी बेंड को बोलते हैं सिंटैक्शियल बेंड। आपके लिए एक
डिफिकल्ट वर्ड, क्या बेंड है ये? सिंटैक्शियल बेंड, ठीक है, ये सिंटैक्शियल बेंड है। ओके, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रन कर रही है, और ये तो आपको पता ही है कि हम नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं बताइए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ईस्टर्न आसाम। और जो ईस्टर्न आसाम है ना, उधर पे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन आपको मिलते हैं विच आर सेडिमेंट्री, ठीक है, क्लियर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हाट इज इग्नियस रॉक, व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक। जो हिल्स हैं दैट आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। अब इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। हिल्स में ऑब्वियसली आपके डेंस फॉरेस्ट ही होंगे क्योंकि वहां पे सनलाइट भी एक्सट्रीम है, रेनफॉल भी एक्सट्रीम है। तो इट कंप्राइजेस ऑफ पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ये किसकी बात कर रहा है? ईस्टर्न की, ईस्टर्न हिल्स की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूर्वांचल हिल्स की बात कर रहा है जो ईस्ट में है, ठीक है। चलिए, अब ये माउंटेन्स वगैरह की बातें हो गई, अब हम चल रहे हैं नदन प्लेन्स पे। अब नदन प्लेन्स जो है, मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ प्लेन्स आर फॉर्म्ड। सिंपल डेफिनेशन गाइस, वेयर एवर यू सी प्लेन्स जस्ट रिमेंबर दैट दे हैव बीन फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स आर डिपॉजिटिंग द सेडिमेंट्स इन द लो लाइंग एरिया फ्रॉम द अप लाइंग एरिया दे आर कमिंग एंड दे आर, यहाँ पे आएंगे तो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वो जितना भार लिए हुए सेडिमेंट सब वो छोड़ना शुरू कर देंगे, तो सारे सेडिमेंट जो है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक ब्यूटीफुल लैंड बन जाता है जो रहने के लिए अच्छा है, जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, और इसी को प्लेन बोला जाता है। तो हमारे जो इंडिया के नदन प्लेन्स है वो तीन मेजर रिवर्स से बने हैं। इंडस रिवर अपना सेडिमेंट्स ला रही है, गंगा रिवर ला रही है, और ब्रह्मपुत्र ला रही है, और इनके ट्रिब्यूटरीज तो आ ही रहे हैं, लेकिन मेजर थ्री रिवर्स कौन कौन से? इंडस, गंगा है, ब्रह्मपुत्र। Understood? It is formed of alluvial oil. Alluvial soil, oil बोल रही हूँ मैं, soil से बने हैं। Obviously, I have already told you, alluvial soil is formed when the river deposits their sediments. The vast basin lying at the foothills of Himalayas is deposited with alluvium. What are alluvium? They are nothing but they are fine particles of silt and clay, and larger particles of sand and gravel. ठीक है? Silt, clay, सैंड और ग्रेवल का मिक्सचर वो एलुवियल होता है, और इतने सारे का मिक्सचर है पार्टिकल्स का, तो ऑब्वियसली वो रिवर से ही मिलेगा ओवर ऑफ मिलियन ऑफ इयर्स। अब ऐसा नहीं कि ये एक एक दिन का प्रोसेस है, नहीं, इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स, ठीक है, टू फॉर्म दीज टाइप ऑफ प्लेन्स। एरिया देख लो, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इतना ब्रेथ है, इतना, ये सब आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, मैंने सारी चीजें डाल दी है ताकि कोई भी चीज ना हो। डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज इट इज अ वेरी सूटेबल प्लेस टू लिव इन, फ्लैट लैंड है, माउंटेन से ज्यादा लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। एग्रीकल्चर इज वेरी प्रोडक्टिव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज इट इज हैविंग रिच एलुवियम, सैंड भी है भाई, सिल्ट भी है भाई, क्ले भी है ना, इसीलिए कॉम्बाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल कंडीशन ये वाटर है। Clear? So this is the thing you need to understand. The river coming from northern mountains brought a huge amount of eroded soil which helped in depositional work. I have told you. Lower course में क्या हो रहा है? Gentle slope है. Steep slope क्या होती है? एकदम ऐसी. Gentle slope ऐसी, है ना? Gentle slope में जो velocity of river है वो धीरे हो जाती है, decreases, which results in the formation of riverine islands. डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स, तो उससे एक लैंड फॉर्म बन जाता है, तो रिवराइन आइलैंड, आइलैंड फॉर्म बाय रिवर। ऑल्सो इन लोअर कोर्स रिवर स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। वेरी इजी। अब नदन प्लेन को भी डिवाइड किया गया है, तो ये तीन चीजें नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो तीन चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर पंजाब प्लेन्स, सेकेंड इज योर गंगा प्लेन्स, एंड थर्ड इज योर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब आप तो समझ ही गए हो, द प्लेन एरिया फॉर्म्ड बाय द रिवर डिपॉजिट्स। तो पहला पंजाब प्लेन्स,
वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और ये वाले का लार्जर पोर्शन पाकिस्तान में लाई करता है, ठीक है, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गंगा प्लेन्स आते हैं हम, अब देखो ये चल रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वेस्ट में आपको दिखेंगे पंजाब प्लेन्स, फिर बीच में आपको गंगा प्लेन्स दिखेंगे। ये इट एक्सटेंड्स बिटवीन द घग्गर एंड तीस्ता रिवर, इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्र प्लेन ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ गंगा, आसाम की तरफ। क्लियर, ये सब चीजें तो बेसिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ दीज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर लाइंग इन इट लाइज इन द ईस्ट, पर्टिकुलरली इन द आसाम। नदन प्लेन जो है वो फ्लैट लैंड नहीं है, दे आर नॉट फ्लैट लैंड, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। हाइट है, रिलीफ मतलब हाइट, डिफरेंट हाइट्स हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर रीजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नदन प्लेन्स है वो चार रीजन्स में डिवाइड हो सकता है। पहला है भबर, वो शिवालिक के नीचे आते हैं। देखो ये हमारे ग्रेट हिमालयाज, ये हमारे मिडल हिमालयाज, ये हमारे शिवालिक। मतलब क्या बोला मैंने, ये जो है हमारे हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। अब भाबर जो है वो फुटहिल्स में लाई करता है शिवालिक के, फुटहिल्स मतलब पैरों पे, ठीक है, और ये वाइड बेल्ट ऑफ पेबल है। मतलब यहाँ से देखो, आप लोग खुद ही इमेजिन करो, यहाँ से तेजी से रिवर आ रही है और नीचे आ रही है, तो यहाँ पे आके रिवर की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो जितने मोटे मोटे पत्थर हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि अब तो इनको लेक आगे लेके चलने की एनर्जी नहीं बची रिवर में, रिवर की स्पीड स्पीड स्लो हो गई है। नेक्स्ट आता है ये वाला पोर्शन, क्या है आपका, ये वाला पोर्शन है भभर। क्लियर, नेक्स्ट इज योर तेरई, इट इज नेक्स्ट टू द भभर, ए वेट एंड मार्शी एरिया विथ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। यहाँ पे आता है आपका तेरई, बहुत ही मार्शी है, वेटी है, विच इज फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। भंगर, ओल्ड एलुवियम प्लेन विच राइजेज अबव द लेवल्स ऑफ द फ्लड प्लेन, और खदर जो है वो यंग एलुवियम होता है। ओल्ड मतलब, अब देखो, अब जैसे रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर आ रही है और डिपॉजिट्स कर रही है, तो डिपॉजिट्स करते करते क्या होता है, एक समय आता है कि डिपॉजिट जो है पुराने होते जाते हैं, तो उस रीजन को बोलते हैं भंगर। और जहां पर डिपॉजिट्स नए हैं, न्यू, वो खदर है आपका, अंडरस्टूड, इसीलिए ओल्ड बोला गया है और ये यंग है। तो आई होप इट इज क्लियर। कमिंग टू द पेनिनसुलर प्लेट, यू, इट्स नथिंग बट इट्स ए टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू पे आ गए हैं, वो क्या है भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू, देखिए, अब आप लोग इतने एक्सपर्ट तो हो ही गए होंगे कि इंडिया का मैप आपको ड्रॉ करना आ रहा होगा। दिस इज माई पेनिनसुलर प्लेट्यू, हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, इग्नियस क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक से, दे हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड को बोला, एक पुरानी एक लैंड थी उसको बोला गया, जब वो ब्रेक हुआ तब ये वाला पोर्शन बना। इसके दो मेन पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल पे जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है, और जो नीचे साइड में है दैट इज योर डेक्कन प्लेटू। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में है, एंड इट कवर्स ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। एक प्लेट्यू है जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू। क्या होता है, ऐसा लैंड जो थोड़े से हाइट के ऊपर है, ये वाला अब आपका हो गया प्लेट्यू, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरे लैंड के कंपैरिजन में इट हैज ए मोर हाइट। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है आपके सेंट्रल हाईलैंड है। विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो विंध्यान रेंज है वो सेंट्रल हाईलैंड से पूरे घिरे हुए हैं साउथ में, और अरावलीज कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। क्या बोल रहा है भाई, आप ऐसे देखो इंडिया का मैप बनाओ, ठीक है, याद है मैंने बताया, हो जाएगा इसी में काम। अब सी नाउ, नाउ व्हाट इट इज सेइंग, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड है, बीच में है इसलिए सेंट्रल हाईलैंड है, तो हाईलैंड है। विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। ठीक है, मतलब कि विंध्यान रेंज के साउथ में क्या है, विंध्यान रेंज क्या है, माउंटेन रेंज है।
तो विंध्यान रेंज के साउथ में आपके आते हैं, साउथ में क्या आता है, सेंट्रल हाईलैंड, और अरावलीज नॉर्थ वेस्ट में, ये यहाँ पे आपके अरावलीज मिलेंगे ऐसे, क्लियर, अरावलीज माउंटेन। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, वी ऑलरेडी नो इधर राजस्थान है आपका। रिवर्स कौन कौन से, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट है, सेंट्रल जो हाईलैंड है वो वाइडर चौड़े हैं वेस्ट में इधर, बट ईस्ट में आते आते जो है वो थोड़े नैरो हो जाते हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू, ईस्टवर्ड अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको बुंदेलखंड और बाघेलखंड मिलेगा, इधर ही पे आपको दो चीजें मिलेंगी, बुंदेलखंड और बाघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय दामोदर रिवर, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। चलिए डेकन प्लेट्यू, दिस इज माय डेकन प्लेट्यू, ट्रायंगुलर लैंडमार्क है जो साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, यहाँ पे रिवर नर्मदा है उसके साउथ में आपके डेकन प्लेट्यू रहते हैं। सतपुरा रेंज माउंट इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल महादेव, कैमूर हिल्स एंड मेकार रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन, क्या बोल रहा है ये? देखो ये सब सारे जो फैक्चुअल चीजें हैं ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सतपुरा रेंज जो है नॉर्थ में आपको दिखेंगे डेक्कन ट्रैप्स के, सतपुरा रेंज माउंटेन रेंज है नॉर्थ में आपको दिखेंगे, और वाइल महादेव, कैमूर एंड मेकाल जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यहाँ पे ईस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, ये सब माउंटेन, हायर इन द वेस्ट एंड ईस्ट, मतलब कि ऐसा है हमारा डेक्कन प्लेटू, ऐसा हायर है वेस्ट पे लेकिन ईस्ट पे जाते जाते थोड़ा सा स्टीप स्लोप है। एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेटू, नॉर्थ छछरे, ये पूरा यहाँ तक घिरे हुए ना, नॉर्थ ईस्ट तक है, तो वही बोला जा रहा है कि ये मेघालय, कर्बी एंगलोंग तक भी गए, यहाँ की बात हो रही है। अब प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जयंतिया, मेघालय की बात कर रहा है, है ना, मेघालय में यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं। एंड द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप, क्लियर, सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो। पेनिनसुलर प्लेटू का जो बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है वो है डेक्कन ट्रैप, डेक्कन, ठीक है, अंडरस्टूड। I know this was very much technical for you, but anyhow, as we are going higher in the classes, आपको जो है थोड़ा सा अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, we cannot do anything. तो आप लोग जब पढ़ रहे हो तो open the map, इंडिया का फिजिकल मैप ओपन करिए और उसके साथ साथ यू स्टार्ट टू रीड, क्लियर। तो इस वीडियो को आप दो तीन बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, फैक्चुअल है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सब क्या चल रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड आफ्टर ए पॉइंट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, बट ओनली वेन यू विल स्टार्ट टू यूज द मैप इन द क्लास, मैप सामने होना चाहिए जब ये सब चीजें आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। चलिए विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3।